न्यूज 36 के जम्मू दर्शक मन ला सुनील टाइगर के जय जोहार। स्वागत है आप मन के हमारे खास चुनावी कार्यक्रम गढ़ 36 में। आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ी के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36। गढ़ 36 में आज हमन बात करबो राजनांदगांव जिला के डोंगरगांव विधानसभा सीट के बारे में। डोंगरगांव विधानसभा सीट है एक खास वजह ले चर्चित हवे और वो वजह है डोंगरगांव विधानसभा सीट। कभू ये सीट है भाजपा के गढ़ रही, माने यहाँ ले हमेशा भाजपा के ही प्रत्याशी मन जीत दाखिल करत रहे। फिर पाछू विधानसभा चुनाव 2013 ले कांग्रेस और भाजपा के ये अभेद किला ला भेद डारिस और भाजपा के अधिकार वाले ये सीट में अपन कब्जा जमा लिस। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दलेश्वर साहू हा भाजपा उम्मीदवार दिनेश गांधी ला मात्र 1698 वोट के अंतर ले हरा के ये सीट ला अपन नाम करे रहिस। आठ विधानसभा चुनाव के बात करी तो 2008 में भाजपा के खेदूराम साहू हा कांग्रेस के गीता देवी सिंह ला 9407 वोट के अंतर ले हराए रही। ए सीट हा खास एकर बर भी है काबर के ए सीट ले 2004 में छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जीत के मुख्यमंत्री के पद संभाले रही। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र ले एदारी भाजपा के मधुसूदन यादव ला टिकट दे गए उन्हें कांग्रेस अपन पुराना प्रत्याशी दलेश्वर साहू ऊपर भरोसा जताए। जोकि के पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ले नहीं रह के इधारी गठबंधन सोले बसपा के प्रत्याशी अशोक वर्मा ला चुनावी मैदान में उतारे गए। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और बसपा के गठबंधन के समझौता में 90 में 35 सीट में बसपा हा चुनाव लड़ा थे, जेकर तहत राजनांदगांव के दो सीट डोंगरगांव और डोंगरगढ़ ले बसपा के प्रत्याशी मन चुनाव लड़ा थे। राजनांदगांव जिला के बाकी सीट में जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी मन चुनाव मैदान में उतरे हैं। गठबंधन के ये फैसला ले हालांकि दोनों क्षेत्र के जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता मन नाराज भी रहे, पाछू अमल्ला मना ले गए। डोंगरगांव विधानसभा सीट के वोट के गणित देखी तो यहाँ लगभग 1,86,000 मतदाता हवे। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र हर राजनीतिक दल में अखाड़ा बन के रह गए, हर सरकारी काम में अपन श्रेय ले के होड़ मचे हुए। एकरे चलते पाछू 4 बछर ले ये क्षेत्र में 3 बड़का बांध होए के बावजूद ये क्षेत्र के किसान मन के सबले बड़े समस्या सिंचाई के साधन के है। डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के लगभग 35% हिस्सा जंगल है और यह खनिज संपदा ले भरे क्षेत्र है। शिवनाथ नदिया के तीर में बसे यहाँ के शंकर दहरा प्रयाग के नाम से जाने जाते। डोंगरगांव नगर पंचायत आवे और यहाँ एकोठी नगरी निकाय नहीं है। आदिवासी बहुल ये क्षेत्र में 126 ठी गाँव आते और ये जम्मू इलाका हा शहरीकरण में अबड़ पछुआ है। ये क्षेत्र में सरकारी स्कूल शिक्षक मन के कमी ले जूझा थे, तब उन्हें उच्च शिक्षा पर कॉलेज के मांग लंबा समय ले हुआ थे। स्वास्थ्य के कोनो उचित साधन ये क्षेत्र में नहीं है, बहुत कम काम के घोषणा के बाद भी पूरा नहीं हुआ है और ए दारी के चुनाव में ये क्षेत्र के यही समस्या मन चुनाव के मुख्य मुद्दा होगी। अब ऐसन स्थिति में देखना ये है कि क्षेत्र के वोटर मन काला अपन क्षेत्र के बागडोरला सौंपी। अभी तो एकर बारे में कुछ कहे नहीं जा सके, तभो ले जम्मू प्रत्याशी मन अपन प्रचार प्रसार में दल बल के संग लगे हैं। फिर चुनावी परीक्षा में कौन हुआ थे पास और कौन हो ही फेल तिला तो वक्त है बताए। संगवारी हो एक आम आदमी के सबले बड़े ताकत का होते जान था, हमर सबले बड़े ताकत हुए हमर वोट। और
ये बहुत कीमती है। फिर थोकन लालच में कई हाँ हमन अपन ये ताकत के गलत उपयोग करथन, माने गलत प्रत्याशी ला वोट दे देथन, तो फिर वोट दे कई हाँ वोट दे ही नहीं जाए। यह गलत है, हमन ला अपन मताधिकार के प्रयोग जरूर करना चाहिए और निष्पक्ष हो के सही प्रत्याशी ला वोट देना चाहिए, जिन हाँ हमारे क्षेत्र के विकास कर सके। न्यूज 36 के आप मन ले ये विनम्र अपील है कि आप मन वोट दे जरूर जावा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के जम्मू सीट के ऐसे रोचक जानकारी पर देखत रहो हमारे खास चुनावी कार्यक्रम गढ़ छत्तीस, छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36 में। आप मन हमन ले कोनो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़ सका था या हमार वेबसाइट www.news36live.com में जाके आप मन हमार चैनल ला देख सका था। प्ले स्टोर ले हमार चैनल के ऐप आप मन डाउनलोड कर सका था, ओकर बर प्ले स्टोर में जाके न्यूज 36 टीवी टाइप करा और हमार ऐप ला डाउनलोड करके हमार चैनल ला सीधा देखा। आप मन के सुझाव शिकायत और सवाल आमंत्रित है। अरे रे रे संगी हो, अभी कहूँ जहाज हन, देखा तो हमार नेताजी मन का कहा थे। अभी हमन आप मन बर लेके आवत हन हंसी मजाक के रस्मा बुड़े और चुनावी रंग में रंगे हमार चुनावी व्यंग बोल बड़े। जय जोहर संगवारी हो, मैं हूँ लबरा सिंह और आप मन के स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल बड़े में। आज हमारे पौना है कोंटा के विधायक कवासी लखमा जी। लखमा जी, न्यूज 36 में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है, जय जोहार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लखमा जी, पहली सवाल आप मन से ये है कि आपन चार बार ले विधायक हो और विधानसभा के उपनेता घरों बन गए हो, आप मन के का उपलब्धि हवा? तेंदू पत्ता तोड़ा हूँ, नांगर जोता हूँ, मुर्गा लड़ाई करवाया हूँ, बकरा का बैला का धंधा किया हूँ। कई साल ले मुर्गा लड़ाई ला आप मन अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला के कोशिश कर रहा था, एकर पर आप मन के का प्रयास चला थे? विधानसभा में बात उठाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे, चक्का जाम कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, आठ आठ में विधायक लोगों को कोंटा में ले जाकर मैं हड़ताल करवाया हूँ, विधानसभा में बोल रहा हूँ और क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, सुगर प्रयास है आप मन के। तो मुर्गा लड़ाई के अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाए बर आप मन के पार्टी और वर्तमान सरकार के का स्टैंड नजर आते हैं आप मन ला? लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ, विधानसभा में लड़ रहा हूँ, उसके बाद भी कांग्रेस का पक्ष क्या है, बीजेपी का सरकार का क्या पक्ष है उसको पूछो, वहाँ के सांसद क्या कर रहा है, लोकसभा में क्या बोला, मंत्री है संधि है वो क्यों नहीं पूछ रहा है, वहाँ प्रधानमंत्री जाता है उस बात क्यों नहीं कर रहा है, मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछते आप, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहा है, महेश गागड़ा क्यों नहीं बोल रहा है, तुम्हारा केदार कश्यप क्यों नहीं बोल रहा है, इसको पूछो। हम तो लड़ रहे हैं भाई, आने वाला चुनावी मुद्दा होगा, शरीर में सांस रहेगा और तब तक इसको लड़ेंगे। अच्छा लखमा जी, अगर वर्तमान सरकार है ये मुद्दा ऊपर ध्यान नहीं देगी तो आप मन के अगला कदम का होगी? इसका आवाज चाहे विधानसभा के अंदर चाहे विधानसभा के बाहर आपके मीडिया के माध्यम से पब्लिक प्लेस में इस बात को लगातार उठाए। अच्छा लखमा जी, अगला सवाल हमारा ये है कि रमन सरकार अभी जम्मू प्रदेश भर में तिहारे तिहार मनाई, एला आप मन कैसे देखता? हमारा बस्तर में तीव्रता है, तीव्र होने से आठ दिन पहले हम लोग लंदा बनाते हैं, मंद बनाते हैं, बकरा ढूंढते हैं, मुर्गा देवी में जाके गुड़ी में पूछते हैं, तब तीव्र होता है। रमन सिंह हमारे आदिवासी के ऊपर अपमान किया है, सीनगढ़ में जाके सुकमा में जाके बिजली तीव्र बनाया, ये मजाक किया कि तेंदुपत्ता का बोनस तीव्र कहे पैदा होने से तीव्र हो रहा है क्या, इसलिए उसका प्रोपेगंडा का, उसका झूठा का, उसका जुमलाबाजी का, ये बस्तर का आदिवासी लोग एक बार भले पढ़ा लिखा नहीं होते हैं लेकिन एक बार कान से सुना उसको भूलते नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा लखमा जी, राहुल गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ला का फायदा हुई? ये गलत बोल रहे हो, सबसे नुकसान हुआ है तो कांग्रेस को हुआ है। ओहो, प्रधानमंत्री के रूप में आप मन मोदी जी ला कैसे देखता? अरे ताकतवर प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी को दुनिया जानता है। अच्छा लखमा जी, आप मन हमारे स्टूडियो में आया और सुखर सुखर बात करे, एक बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद, जय जोहार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।